जसकीरत भाई और मैं हम बात कर रहे थे आपके एक दोस्त से, तो उन्होंने हमें जरा बताया कि यार आपको याद है वो बता रहे थे कि कुछ बचपन में कुछ भूत भूत आ गया था इनके अंदर, फिर कॉलेज में भी कुछ शमशान के ऊपर स्पेशल इन्होंने कमरा लिया था कि शमशान के ऊपर रुकूंगा। और कमरा लिया नहीं था, दे दिया था, वो तो लास्ट में पता देखो चला। हमें तो ये समझाया गया कि उसकी वजह से ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, ना मतलब ना उसके वजह से नहीं है, कुछ लेकिन तो वो डायन में शमशान वाला ये मेरे को मैं ना ना मेन तो यही पर्पस है। हाँ, कुछ तो है शमशान वाला बताओ। हमने कहा है मैं ये सीखना है ये काला जादू, ये शमशान वाला मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉलेज में तो मुंबई में तो क्या हो गया कि थोड़ा जंगल वंगल वाला टाइप एरिया उधर पीछे, तो हमारे इसमें क्या हो गया था कि बोर्डिंग में इंडिविजुअल रूम्स दिए गए थे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये एक फ्लोर है, बीच में कॉमन टेबल है, एक रूम मेरा, एक रूम इधर, एक रूम इधर, एक रूम इधर, फिर नीचे का फ्लोर डबल स्टोरी भाई ये चीज करिए। तो सीन ये हुआ है कि पहले चार जन रह रहे हैं अलग अलग, ठीक है, अचानक से एक बंदा निकल जाता है, हमको पता नहीं क्या क्यों निकल गया है। फिर देखता हूँ कि इधर वाला वो बंदा है, बोलता भाई मेरे को बहुत डर लगता है यहाँ पे। मैंने बोला क्यों डर लगता है, बोले इधर कुछ है, कुछ है, रात को कोई खटखटाता है या खटखटाती है। मैंने बोला तो कुछ नहीं है, फालतू है, क्योंकि हम तो गहरी नींद से सोए पड़े रहते, तो हमको पता नहीं है, घोड़े बेच तो के। बचपन की कहानी साहित था ही, आप तो कह रहे मेरे साथ तो चल ही रहा है एक। तो बचपन तो रिवर्स में बताऊंगा, अभी ये देखना इंटरेस्टिंग। तो ये बंदा निकल गया, तो मेरा जो जिगरी यार था वो दूसरे उसमें रहता था, दूसरे कंपार्टमेंट में, तो बोला अरे मैं एप्लीकेशन देख के मैं तेरे इधर आ रहा हूँ भाई, मजा आ जाएगा। तो कॉलेज में ना कुत्ता घुमाते थे, मतलब वो जैसे वो फ्रेंडली हो जाते, तो ऐसे ऐसे स्ट्रे वाले को घुमाते फिराते रहते हैं, तो वो हर जगह लेके जाता था सबके रूम में। तो भाई ने अपना रूम शिफ्ट करवाया मेरे साइड में। अब पहला सीन ये होता है, वो कुत्ते को लेके आता है, कुत्ता दुनिया के हर रूम में घुसा है वहां पे, हमारे जैसे ये अंदर घुसना है ना उसके बाहर ही बैठ गया, आ ही नहीं रहा। मेरी भी फटी एक बार, को साला क्या हो गया है इसका, साले तो हर जगह घुसता, मैंने तो इसको हर कमरे में घुसते हुए देखा, इधर क्यों नहीं घुस रहा, मतलब मेन वरंडा के इसमें घुस ही नहीं रहा। पहली फटी वहां पे, मैंने बोला कुछ हो सकता है। अब मैंने ना कॉशियसली इसको सोचना शुरू किया, मैंने क्या है। अब एक चीज नोटिस करता था, वो एक्वागार्ड की वो ट्यून याद है, टैना टैना टैना, वो वाली चीज। अब हमारा वो रात रात तक सेशन चलते थे, देखो एमबीए में वो चलता रहता है रात को 11-12 बजे तक, तो मैं जब भी 11:15-11 बजे आता था वो म्यूजिक बजते नहीं लगता था, टैना। आज तो अंधेरा, उधर का लाइट बंद है, क्योंकि वो मेरा वाला बंदा वो दूसरे सेशन में था, तो वो अपना अंदर कुछ गेम वेम खेलता होगा या जो भी करता होगा, मेरे को तो लगता है गेम में पढ़ता वढ़ता तो था नहीं, तो भाई देखना मत था। तो वो कर रहा है, अब टैनो ने टैनो, तो मेरे को पहले डाउट हुआ कि जो वो आया आती है साफ करने के लिए वो भूल जाती होगी, तो वो ऐसा कुछ कोइंसिडेंस होता होगा। तो अगले दिन मैं ना दिन के सेशन में गया नहीं, मैंने बोला बैठूंगा और मैं देखता हूँ ये लोग क्या करती है, दो जन आती है साफ सफाई करने के लिए क्या करती है। इनने पूरे टाइम पे एक्वागार्ड ही नहीं चालू किया, मैंने बोला आप ही लोग एक्वागार्ड चालू करके भूल जाते हो ना। ना भैया हम तो कभी चालू ही नहीं करते, मतलब वो मराठी में बता रहे थे, बोले हम तो चालू ही नहीं करते। तो मैं सोचा बोले यार ये भी नहीं चालू कर रहे, ये क्या सीन है। मैंने इससे पूछा जो साइड वाले रूम, बोले तू चालू करता है क्या, तो बोला नहीं यार मैं भी नहीं चालू करता हूँ। तो मेरा दूसरा वो हुआ है। अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, तीसरे बार में क्या हो रहा है कि मैं बढ़िया सोया हुआ हूँ यहाँ पे, हमारे जो वो बीच में वरंडा वाली टेबल है धड़ 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 आवाज़ आ रही है। अब मेरी खतरनाक वाली फटी, खोल के देखा कोई नहीं है। मैंने बोला ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब तो खतरनाक, और ऊपर से पीछे जंगल है तो पर्दे ऐसे ऐसे हवा हवा चल रही है, बिजली बिजली चल रही है, तो पूरी मूवी वाला सीन हो रहा है। तो मेरी फटी है, नींद तो आई नहीं है मेरी। तो मेरे को लगा कुछ तो है इधर गड़बड़, कुछ तो है गड़बड़। पर मैंने अब तब तक ना हॉस्टल्स जितने भी थे ये रूम्स थे वो सब फुल हो गए थे, तो मैं शिफ्ट भी नहीं हो सकता हूँ, ऐसी हालत हो गई, या तो आप कॉलेज छोड़ दो या तो ये। मैंने एक बार वो केयरटेकर से पूछा, बोले यार इधर कुछ था क्या, बोले ज़्यादा नहीं है शमशान के ऊपर बना हुआ है। मैं बोला साला ये अभी बताना था तुमको, साला शमशान के ऊपर बना, बोला हाँ ये शमशान था सस्ते में मिल रहे थे तो हमने इधर ही बना दिया। मैंने बोला साला पहले तो बताना था, मेरी गंदी वाली फटी। तो मैंने लगाया अपनी नानी जी को फ़ोन, नानी जी ने मेरे को भेज दिया शॉपिंग लिस्ट बना के, देख हनुमान चालीसा की ये लेके आनी है, तेरे को ये मूर्तियाँ लेके आनी है, ये लेके आनी है। मेरे को आज भी याद है 750 रुपये के मैं सारे सामान लेके आया था, कुछ ये भस्म वस्म पता नहीं क्या क्या लेके आया था, मैं सारे लगाया था। मैंने जीवन में आज तक जितने मंत्र नहीं पढ़े थे वहाँ पर पढ़ लिए थे, आज थैंकफुली नहीं पढ़ने पड़ते, मैंने सारे वहाँ के पढ़ लिए, धड़ाधड़ 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 पढ़ लिए। उसके बाद जाके थोड़ा सा वो चीज़ रिड्यूस हुआ था, लेकिन एक चीज़ मेरे साथ जीवन में आज भी है जो मेरे फैमिली को जीवन भर शायद परेशान करेगी। वो क्या है, बचपन में हमारे गांव में, मतलब हम रूट्स आर फ्रॉम अ विलेज विच डिडंट हैव एनी लाइट कनेक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं था, उड़ीसा थोड़ा सा उस तरह का एरिया है। अब तो थोड़ा भाई ऐसा मत बोलो यार, थोड़ी डिम तो हो गई है नहीं, बट वो सीन बहुत खतरनाक वाला है, और वो उसने सबकी फाड़ी है मेरे साथ जितने भी। मैं पहले रूम जिसके साथ शेयर करता था तो उसकी तो गंदी फाड़ी थी। तो पुणे में पहले मैं जिसके साथ रूम शेयर करता था, तो मेरा बेड इधर, उसका बेड उधर, खिड़की उधर है, उधर से एक बारीक सी लाइट आती है हमेशा रात को, वो जो बाहर की स्ट्रीट लाइट जलती है ना, तो उसकी एक छोटी सी हल्की सी लाइट आ रही है। तो मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था, दो किस्से हुए थे, दोनों बताता हूँ, ठीक है। एक किस्सा ये हुआ था कि मैं, हमको बोला जाता था कि वो पीछे पॉन्ड है उधर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर डाइन आती है, डाइन लग जाएगी। अब उनने घर वालों ने बोल दिया नहीं जाना, फिर तो जाना है,
अब तो भैया जरूरी है, अब तो देखना है भैया डाइन कैसे दिखते, हमने देखा ही नहीं है। तो हम तो चले गए, मैं बहन को लेकर चले गया। अब उस पॉन्ड की साइड में एक नॉर्मल सी लेडी थी, अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी देखी है डाइन कैसी क्या होती है, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड नॉर्मल लुकिंग है, बट देयर आईज आर लिटिल रेड इन द सेंस एंड प्रोबेबली दे नो समथिंग, आई डोंट नो विचक्राफ्ट या कुछ होता होगा। तो वो हो गया, अपन आ गए। अब घर आके मैं वो बंदा हूँ जो बचपन में हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाता है, एप्पल खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, 6 घंटे हो गए कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं, और मैं बड़ा इरिटेट हो रहा हूँ। और अंधेरा जैसे ही हो रहा है तो लाइट वाइट का बड़ा इशू रहता, तो वो लांटेन होती थी, वो बत्ती वाली जला दो, ये जला दो, तो हर जगह जैसे जला रहे, जहां जहां वो जल रहा है मैं वहां से दूर जा रहा हूँ, और मैं एकदम कोने में जो अंधेरा वाला रूम है उधर जाके अकेले बैठा हूँ। मेरे पास जैसे ही मेरी मॉम वो लेके आई, डिबरी लेके आई, मैंने हट जाओ चिल्ला के, और मैंने गालियां दी। दिस इज आई डिडंट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे बाद में बताया गया ये वाली चीज, मैं गालियां दे रहा हूँ। तो शायद गांव वालों को शायद समझ में आ गया कि भाई ये गया, इसको मना किया था, ये माना नहीं है, हवाबाजी करके गया है, तो गया ये। तो फिर फाइनली दे बॉट द लोकल बाबा काइंड ऑफ थिंग, उन्होंने काफी झाड़ फूक वाड़ फूक करा, फिर वापस में उठा, फिर मेरे को गंदी वाली भूख लगी, 1:30 बजे मैं शायद उठा हुआ था, फिर उन्होंने पेल के खाना खाया था। ये इंसिडेंट तो चले गया, लेकिन उसी के जस्ट 2-3 दिन बाद क्या हुआ था कि वाइल आई वॉज स्लीपिंग आई गॉट अ वेरी टेरिफाइंग ड्रीम। मैं जल्दी सो जाता था, 8-9 बजे सो जाता था, अच्छा बच्चा था। तो 9 बजे मैं सो रहा हूँ, तो अचानक से मेरे सपने में मेरे को क्या आ रहा है, देर इज समवन, कोई हवन जैसा चल रहा है, एक चुड़ैल तो नहीं बोलूंगा बट हाँ एक लेडी बैठी हुई है, नॉट टिपिकली वाइट में, बड़े बड़े बाल है, वो सर हिलाते जा रही है, वो मेरे को बोल रही है मैं तेरा गर्दन काट लूंगी, मैं तेरे को खा जाऊंगी, इस तरह से कुछ चल रहा है बचपन में, सपने में ठीक है। एंड शी हैज बीन रिपीटेडली टेलिंग मी कि मैं तेरे को लेके जाऊंगी, मैं तेरे को ले जाऊंगी, मैं तेरे को खा जाऊंगी, ठीक है। नाउ मैं फटके उठी, मेरी फटी है, मैं उठा उठाऊँ, पूरा पसीना पसीना हुआ, चिल्ला चिल्ला कर हा 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 करके मैं उठाऊ, जो साला ये क्या हो रहा है बे? भाई आज रात को वो चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत होती है, क्योंकि आज मैं जिसके साथ सोऊंगा, सही में हो रहा है क्या? देख रहा था 12:12 ना बजे हूँ, अरे ए भाई मेरी पट रही अब तो, गेट भी तो अभी खुला हुआ था, ये ज्यादा हो गया, ऑन नहीं हो रहा, लाइट बीच में चली गई, दोबारा आ गई ना, साले इसको देखो, आपकी तो नानी ने बताया था, वो देख के जाना हमें आपका यार, पानी भर देना यार इसमें, मतलब वो जो भी बोला है वो तुमने भर देना। गेम स्टार्ट करें। सपने में वही चीज चल रही है कि कोई एक है, लेडी है, वेरी बिग हेयर्स, आई कांट सी द फेस, वो सर हिला हिला के, मुंडी हिला हिला के बोल रही है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को खा जाऊंगी, तेरे को ले जाऊंगी। और मैं उठाऊं टेंशन में, पूरा पसीना पसीना, मेरी फटी पड़ी है, और मैं चिल्ला चिल्ला के उठाऊं, तो एवरीवन सारे, मतलब हमारी फैमिली पूरी जॉइंट वहां पे जो भी थी गाँव के, वो सब बोले क्या हो गया क्या हो गया, मैंने ऐसा ऐसा बताया, तो कुछ तो पत्ता वत्ता रखा मेरे इसमें कि उनको बताया होगा ये वाली चीज, और फिर मेरे को थोड़ा काम करके सुलाया। बट नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एवरी आई डोंट नो एग्जैक्टली बट 6 मंथ्स में, 6-7 महीने में स्टिल शी कम्स। अब कैसे मैं बताता हूँ, पुणे का इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, पुणे का इंसिडेंट हो रहा है मेरा, भाई मेरी ना इंसिडेंट सच में, तीन छह महीने में आता, मतलब देयर इज नो फिक्स डेडलाइन, लास्ट 3-4 महीने पहले हुआ है, तीन छह महीने में कभी भी होता है। अब आज तुम सोच सकते हो, देखो आज कैमरा कैमरा अभी भी होता है, चेंज कर रहे हैं, पैक खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट चेंज कर रहा, अरे नाम तो नहीं, अब मेरे को आके नाम बता, मेरा नाम गजब है यार, नहीं वो बस मेरे को खाने आती है, मेरे को ले जाने आती है, मैं बताता हूँ, हाँ ये बस। तो अब सीन होता है, मैं पहले पुणे वाला बताता हूँ, रूममेट लेटा हुआ इधर है, वो हल्की सी लाइट आ रही है, ठीक है, अब मेरे दिमाग वो आ चुकी है, ठीक है, रात के बज रहे हैं ये 3 बज रहे हैं, पूरा सुनसान है, बिकॉज पुणे में जिस एरिया में हमारा वो था, अभी भी जहाँ पर है
दैट इज वेरी काम, आई मीन आफ्टर 10:30 बहुत चिल्ड एनवायरमेंट है. इट्स नॉट दैट शिवाजी नगर साइड वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये जहाँ पर भी है वो बड़ा चिल्ड वाला है, शांति एकदम सन्नाटा, वो टर 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 वाली थोड़ी बहुत आवाज आएगी, दैट्स इट. ठीक है, अब सीन क्या होता है, मेरे को आ गए, अब मैंने पहले धीरे धीरे आवाज मेरे अंदर से शुरू होती, पता नहीं आवाज नहीं निकलती, धीरे धीरे पिच बढ़ती रहती है. तो दिस इज मेरी पिच बढ़ती रही, आई एम ट्राइंग टू स्क्रीम बट समवन इज ट्राइंग टू चोक मी, मैं चिल्ला रहा हूँ. तो मेरे थोड़ी पिच जैसे बढ़ी, ये उठा है. अब मेरे को ये पता नहीं है अभिषेक क्या हुआ, अभिषेक क्या हुआ, मैं तो सुन नहीं रहा हूँ बिकॉज आई एम इन दैट मोड कि मेरे को वो ले जाने आई, बिकॉज शी ऑलवेज कम्स, वो मेरे को ले जाने आती है. ठीक है, तो वो हा 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 चिल्ला रहा हूँ, तो वो बंदा मेरे को ऐसा हिलाने आ रहा है, जस्ट वो इतने में आ रहा है, इतने पास, इतने में धड़ करके मैं और मैं ऐसा नहीं, उसकी फटी, बोला भाई क्या हो गया, वो उधर सीधे कूद के अपने बेड पे चले गया, बोला भाई क्या हो गया, और मैं उधर 2 सेकंड के लिए पॉज हूँ, भाई अभिषेक अभिषेक वो चिल्ला रहा है, वो उधर से लाइट, अब उसकी फटी, क्योंकि लाइट का बटन भी मेरे ऊपर है अब उसकी फटी पड़ी है, टॉर्च वॉर्च कुछ है नहीं, उसके पास सस्ता वाला वो 4,000 वाला मोबाइल है, उसका टॉर्च जला रहा है, भाई क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया. अब मैं आफ्टर लाइक आई गेन कॉन्शियसनेस आफ्टर मे बी अ मिनट और समथिंग, और मैं इतना वो छुड़ैल जा चुकी, मेरे को नींद आ रही है, मैं लेट के सो गया, बोला सुबह देखते हैं, मैं सो रहा वो भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक जगा हुआ है भाई ये जगेगा, सुबह बोला भाई मेरे को ऑफिस जाना है तू उठ जा भाई, मैंने हाँ क्या हो गया, तेरे को रात को क्या हुआ था, बोले ये होता है यार भाई 3-6 महीने में होता भाई, मैं वो भाई की अलग फटी पड़ी हुई है, तो वो अलग सीन चल रहा है. ठीक है, अब एक घर पे सीन बताता हूँ, वापस 3-6 महीने बाद, तो पूरी फैमिली ये वो चली हुई है ऐसे वैसे, मैं जल्दी थोड़ा सो गया हूँ, 10-11 बजे सो गया हूँ, ये लोग कोई टीवी देख रहा है, कोई इधर चल रहा है, मैंने घर वालों को आधों को टैब दिखा दिया, टैब दिला दिया और उसमें सारे OTT दिला दिया ताकि परेशान ना करें, तो वो उनका कुछ कुछ चलता रहता है, कहती है कुमकुम कहानी घर घर के पुराने एपिसोड चलते रहते हैं उनके, तो इधर ये मेरा एपिसोड चल रहा है वापस, हाँ 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 चल रहा है, मतलब पूरा घर वालों को कोई मतलब ही नहीं है, वो लगे हुए हैं उधर चल रहा है वो सूर्यवंशम या पता नहीं कुछ चल रहा है, तो वो उसमें लगे पड़े हुए हैं, इधर OTT में चल रहे हैं, मैं चिल्ला चोट कर भी लिया हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में वो उधर से मतलब समवेयर मदर हैड हर्ड कि बोले हाँ कुछ तो आवाज़ आ रही है, वो उधर बोलते हैं अरे देखो वो थोड़ा छींक वीक रहा है शायद, क्या कुछ हो गया सर्दी वर्दी को, मतलब अरे छींक नहीं रहा हो यार वही वाला सीन हो गया है, तो मतलब घर वाले भी अब हल्के में लेते हैं, बोले अरे ये क्या चीज है, यूजुअल है ये तो, ये हाँ क्वार्टरली हो गया, तो ये सीन है. लेकिन अब आखिरी मैं इसके बता दो फटने वाली सीन जिसमें लेजिट मेरी फटी, अब यार होना नहीं चाहिए, अब आज के दिन भी हो जाए, ये दोस्तों के साथ भी हो जाता है और जो लेते हैं ना जो साथ में रहते हैं उनके साथ भी होता है, बता देता हूँ. नहीं वैसे भी एपिसोड रिलीज हो जाए बहुत बड़ी बात है. तो अब सीन ये होता है, करजत नाम की एक जगह है विच इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, तो दिस इज लाइक बहुत फॉरेस्ट स्टेशन है, यहाँ पर सलमान खान ने अपना वो लेके रखा हुआ है, अजय देवगन ने अपना वो लेके रखा हुआ है, हाँ वो वही है, तो इन सब ने अपना विला ये सब लेके रखा, पूरा जंगल है. तो हम लोग उधर गए ढाबे में, ठीक है, तो मैं हूँ, एक लड़की है, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, नॉट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, होपफुली नॉट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, तो और वो बेचारी अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले ही गई है, तो टाइम मिलता है 2-3 साल का मिलता है, नहीं मैं अब सीन बताता हूँ. सीन ये सिर्फ लड़की नहीं थी और भी दोस्त थे, टच में नहीं हूँ बट जिंदा है शायद, तो हम लोग होंगे कहीं 7-8, एक को शायद एक सर थे जो हमको गाइड कर रहे थे, उनको शायद कैंसर वैंसर कुछ हो गया
बाकी ठीक होंगे शायद, ठीक होंगे शायद, होगा नहीं नहीं, एक का मैसेज मेरे को आया था एक आध साल पहले, तो ठीक होगा वो यार, जिंदा होगा, जिंदा तो है। तो तो हम गए तो ढाबे वाबे में मस्त खाया ऐसा, तो फिर लास्ट में मैंडेटरी फोटो दो होती है ना, उस समय में इतने बढ़िया फोन वोन नहीं थे, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल आई थिंक सोनी एरिक्सन बहुत चलता था एंड नोकिया तो चलता ही था, एंड नोकिया का एक वो आया था फ्लैप वाला या कोई तो भी एक आया था, वो बहुत बढ़िया तगड़ा चल रहा था, तो वो ग्रुप में होता था दो तीन जन के पास, तो फोटो जरूरी है उस टाइम पे, सेल्फी वॉज नॉट अ वर्ड, सेल्फी हो जाती थी, इट वॉज नॉट अ वर्ड। तो क्या हुआ उस समय पे, अगर किसी के पास तब नया नया आईफोन जिसके पास था 4S या 4 कुछ बोलते थे, हाँ, तो वो भैया वो बड़ा आदमी है, और हमारे ग्रुप में थे दो बड़े आदमी, जो एक लड़की जो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, और जो लड़का था सबसे बड़ा कौन है, हाँ, तो वो दो थे। अब दोनों ने एक ही टाइम पे, उनको पता नहीं था दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेल्फी, बट उन लोगों को वो ये देखो इनको स्टाइल पता थी, ठीक है, तो दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही समय पे फोटो ली, ठीक है। अब फोटो देखना लड़कियों को तो होता है ना, लेट मी जस्ट सी, तीन चार फोटो ले लिए, तो अब देखना है, अब लड़की को कुछ एक अजीब सा दिखता है, उसको क्या दिखता है, हमारी पूरी फोटो में लड़की और मैं साइड में थे, मतलब मी दैट लेडी और हम सब ऐसे आसपास करके ऐसे करके थे, तो देर इज अ फिगर जो शैडो है, जिसके बाल बहुत बड़े हैं एंड काइंड ऑफ एक फावड़ा लेके शैडो है, वो ऐसे खड़े अब मुझे नहीं पता, वो तो लड़की खुद देख रही है, तो वो कंफर्म कर रही है वो लड़के के साथ, आई एम नॉट नेमिंग बिकॉज ऑफ प्रिवेसी उस लड़के का भी नाम, बिकॉज जो भी है मैं प्रिवेसी में नाम नहीं ले रहा हूँ, लड़के और दोनों के फोटो में सब सेम एक्सेप्ट दिस फिगर, लड़की के कैमरा में वो फिगर, ये लड़की इसलिए तो नहीं गई, पता नहीं यार। तो एनीवेज दोनों ने सेम टाइम अपने पे ही अभी भाई, दोनों ने सेम टाइम पे फोटो लिए लेकिन इसी के कैमरे में आई है, तो वो जस्ट वो बड़े टेंशन में आ गए, लड़की मर गई है, मजाक नहीं हो रहा है, छोड़ ये मजाक नहीं हो रहा है, बंद कैमरा, ठीक है, ये फुटेज देख लो जरा, ये बहन चोर भाई, कैमरा बंद हुआ था 2 मिनट पहले, कैमरा बंद हुआ था, वो कैमरा है जी, ये कैमरा बंद हुआ था, और यही कैमरा बंद हुआ था दोनों में, मैं देख माता रानी ये फंसा दिया मेरे को भाई, पर अच्छा रुको, उसके पास था महंगा फोन, तो महंगा पैसा किसके पास था, माता रानी ये तो नहीं कमाया, अब उसमें तो फिर वो जो सर थे जिनको अब कैंसर हो गया है उनको उसने फोटो दिखाई, मेरे को फोटो नहीं दिखाई गई अभी तक, ठीक है, उनको फोटो दिखाई, तो सर ने, सर को शायद पता होगा इस तरह की चीजें होती होंगी, तो उन्होंने प्यार से बोला बेटा इसको डिलीट कर, पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे चलो, अपन लोग वो जिप्सी टाइप की गाड़ियां दो दो थी, तो बोले बैठेंगे बढ़िया, अपन चलते हैं वापस जहां से आए थे वहां जाएंगे, पीछे पलट के मत देखना, उसकी तो फटी पड़ी है, क्या होगा क्या होगा, मेरे को बाद में उसने गाड़ी में बोला यार ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन है, बोले क्या है, बोले लंबे बाल थे, ये मेरे सपने तो पता ही नहीं है किसी को, इसको कैसे पता, बोले और ऐसे ऐसे थी तुम्हारे सपने, बोले क्या दिख रहा था, तो बोले ऐसे लेके खड़ा, मैंने मेरी फटी, बोला यार ये क्या सीन है, तो ये वाली चीज़ हुई है, ठीक है, उसके तीन दिन तक लड़की सो नहीं पाई थी ऐसा उसने मेरे को बताया था, बट ये वाला सीन हुआ था, तो वो चीज़ आज भी होती है मेरे साथ, ये तो ऐसे छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, बट तीन चार साल देती है, लास्ट मतलब तीन चार साल है तुम्हारे पास, तीन चार साल मोस्टली तो दे देती है।